गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपुण्य आत्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हें जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा, गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कबीर परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु अग अधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले, कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मैला पहला की वाणी में जो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना होई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना होई। 946 प्रश्न पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना होई और बिन सतगुरु बैठे महादुख पाई, नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, सच्चे गुरु गोपाल बिन सतगुर सेवे जोग न हुई, बिन सतगुर बैठे मुक्ति न हुई, बिन सतगुर बैठे नाम न पाया जाई और बिन सतगुर बैठे मां दुख पाई। प्रश्न नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मैला पहला की वाणी है, बिन सतगुरु बैठे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हार है। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु बैठे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया, सतगुरु बीच आप रखियानो कर प्रगट आदि सुनियाई, सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाई, कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कहे सुन जन्म जन हो इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना है, सच्चा गुरु हो पूरे गुरु से बात बनेगी, सच्चा गुरु हर नाम सत सरना और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना, सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे, बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे,
ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन कह नानक पूरा, कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुरु बिलिए शब्द भय रचे आपे वसे मन आई, बाहिरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे और कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु के न पाए परम गते, ये है बिन गुरु के न पाइयो वृथा जन्म गवाई और सन्मुख कर्म कमावणे दर्ग मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। मैला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उतरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई, बूढ़त जग देखिया तत डर भागे, सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना सच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब के। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महिला पहला की वाणी, बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी दस सदवार, जिन मानस से देवता की करत न लाकी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ, दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ, दाता करता आप तू तुस देव ही कर्म पसाव, तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। स्पष्ट कर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक अकह लोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड। कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ, वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है। और कहते दाता करता आप तू और तुसी देव ही करण पसाऊ, तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं मैला पहला की वाणी, एहु जीव बहुते जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाइया। इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कर ही रखा है। जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाल्ले वाली जन्म साखी में, अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे। और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी ये यहाँ से छपी अमृतसर से, चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर इनके फोन फैक्स। इसमें देखिएगा
197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है, ये सजदे करे सैदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में, गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा, इस जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते दस पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवार सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी, ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी कि मर्दाना असानों यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आ गए हम। तब फिर मर्दाना पूछिया, जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना, उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन, जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुकम विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने पूछिया, कहा गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है? ता गुरु नानक देव जी कहा, मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया सें, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था,
जद असी मिलन गए से ता मर्दाने कहा जी कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहंदे हन जो काल दे वस ना आवे और ना हवे अथो काल उस दे वस होए ता मर्दाना ने किया रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है ता गुरु जी किया मर्दाना उसदा रंग लाल है पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं नाई अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे देश हन उसके जो बाल हैं रोम कूप हैं उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहेब जी के गुरु जी थे और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहेब जी के करकमलों से लिखी है ये यहाँ से छपी है यहाँ से देखिएगा श्री ये है प्राण संगली सतीपन प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहेब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेल विडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है उसका उल्था या तर्जमा नहीं है जो कि जो है उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए तो वहां एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष हैं ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं अच्छी आत्माओं को ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गऊ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो
उपनात्माओं इतने प्रमाण हैं और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरु जी थे, कोई बाबा जिंदा थे और वो पूर्ण परमात्मा ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और ये कहा करेंगे काल के दूत संत, क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया, लेकिन इनके परम धनी का तो दिखा दूं आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। अपने आत्माओं ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बाला जी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्ण मार्ग मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद, एक अध्याय है सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं, ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साहब जी की कथा चौपाई के माध्यम से, नानक साहब कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक साहब कीन तप भारी, पिछले जन्म मंत्रों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे, इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया, जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई, अनहद बानी की ओ पुकारा, सुनकर नानक दर्श निहारा।
सुन के अमर लोक की बानी जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी अमर लोक की सुनी नबानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे उनकी जो वार्ता हुई तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्द सुनो प्रभु जिंदा स्वामी कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्द सुनो प्रभु जिंदा स्वामी कहो न कही अमर निज बानी धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी सब पीरा के पीर कोई न पावे तुमरो भेदा खोज तके ब्रह्मा चौ वेदा। जब नानक बहुते तप कीना निरंकार बहुते दिन चीना। इस निरंकार से पुरुष निनारा अदर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो काल की विष्णु की विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा अजर दीप ताकी टकसारा। अजर दीप उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष विछो हुआ तब जबते काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की देखो इत तब सरस भक्ति नहीं ओई क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछुड़े भाई जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल की ना फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पापा के और बहुत भक्ति करी और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे और बिना सत शब्द इस सतनाम कहो सत शब्द कहो सच्चा नाम कहो इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं तो और जीव की के पार बसावेगी। तुम बड़ भक्त बहुसागर आवा और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चाल लगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ बहुसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है बुला रखा है भ्रमित कर रखा है और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं धन पुरुष तुम यह पद बाकी यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं पा ये गलत लिखा जब लोग हम तुमको नहीं पावा अमर अपार भ्रम फैलावा अगम अपार भ्रम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में बली बही तुम हमको पावा सकलो पंथ काल को धावा। होय होय कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि बली बही तुम हमको पावा आपने मुझे पा लिया भली हुई अच्छा हुआ आपके लिए और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। धावा धावा माने ध्यान लगा रहे हैं
तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सबसे अलग हो गए हो, मेरा नाम लेके अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरित तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। के धन है हे परमात्मा तुम, हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी, धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। अपनात्माओं अब वहां आते हम जहां हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई, कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसकी के दुर्गति हुई फिर इन पांचों नाम काल के। अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का, इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहाँ से छपा है। और कौन इसके मुद्रक कौन है, अर्पण पेंट्री राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। ये हैं ये परम धनी, ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने, ये भगवान मनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो फिर के बना भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये। फिर अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वचन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या व्रत अर्थ पोतियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़ रहे थे, उनको उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है, भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्नों को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आँख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण, अंगारा सी, ये तो भूत जिसमें हो उसकी याद दिखा दूँ, कि कितने भक्त
जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं, जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे, अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख, स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। कबीर परमात्मा जी कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तय करे खराब। अरे हुक्का पाड़े बता, आप भूत बनना था, नाम पांचों काल के जाप करे। अब देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था बता, इसने सतनाम का वीराना, सतलोक का वीरानी, सतपुरुष सत क्या सतनाम के है, पांचों नाम काल के जाप करे, हठ योग करे, इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो, अभ्यास का रस लेते थे या कथा कर कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी, और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस और इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की यह पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे। तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा, तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो, वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके वजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज वजन किया करती थी, बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, वजन क्या करती थी बता, वजन क्या का करे, वो काल के पांचों नामा का, वो कोई वजन करने के है ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से, वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख लेते, बाहर देख ले उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी, इन नैना बिराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है, वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। तो ऊंचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो, जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और दो दो दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेश कर किया करती थी उसी तरह से करो, और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है, गर्ज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे, कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर बढ़ियो यहाँ से कि फिर, और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, मेरी पन्नी गली के मकान पर
पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था इसके हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यू शिवदयाल जी रहा करता था, और उक्का भी बरती थी, पलंग बिछाती, उक्का बरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे, हर रोटी भी खाते थे, मुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे। बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, इतने वार नहीं मरी इसका माए प्रकट रहे। राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका, ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का जीवराम ने, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन, तो ये क्या कह रहे हैं इनके दो प्रवचन करता के ऊपर सतलोक है, अलख लोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ, फिर अगम लोक है, और फिर उसके ऊपर अकह लोक है, और उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी जहाँ कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उसके ऊपर बताओ इन्होंने साडा राधा स्वामी लोक है। अब राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में हुक्का पाड़े रोटी खावे, अरे यू मुक्त हो गया पांचों नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना दो अक्षर के नाम बिना और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो देख क्लियर कर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितन जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवदयाल जी भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, अब उसमें बोला का बताया करता, उसने खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी। लेखक है जो शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। ओ भूत बोला बुक्की वे, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अपनात्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने ब्यास से नाम ले रखा था और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था, और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है, और चूरमा खाने की आदत गनी थी उसकी। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्रवधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती, काफी देर तक काम करे नहीं बेचारी पड़ी रहे। फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया, वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उस उसका पुत्र वधू में अब बीड़ी दे दी लगा के, पहले वह पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे, क्यों चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे।
और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन उस वह पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो या तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ, कई जगह झाड़े झूढ़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूँक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर के का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी के का उपदेश लिया, उसके बाद वो चाचा तो पीछा छुटिया राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम कर रहा है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवदयाल की, ये पांचों नाम काल के कोई गुरु नहीं था इनका, और करोड़ों जीवों को डबो गया चला गया, इसको परम धनी मानकर ये बोली आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अपनात्मा उस समय आ गया है, धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे दाता, हमारा तो आपने कल्याण कर दिया, ये तीनों मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र ये तीन बार में दान करने होते हैं, ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं, और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे, ये तीन बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि हे परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक है, लेकिन ये आपके बच्चे ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब हम जाएंगे वहाँ पर, उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रगट होंगे गरीब दास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि एक अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर, कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब कार पंथ, सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं, 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है कबीर नाम से, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोले, इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो पांचों ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो, अकाल मूर्त, सबद स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये तीन नाम कर दिए स्वरूप। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है, अकाल मूर्त कहो चाहे सबद स्वरूपी राम कहो चाहे सतपुरुष कहो, सतपुरुष सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा, अकाल मूर्त जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान, शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता, शब्द स्वरूपी राम यानी राम माने पुरुष कहो परमात्मा कहो अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष, उसको तो हमने पाना है, वो पाप मिलेगा कैसे? जल 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 पानी नीर, जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा, वो हैंड पंप लगाना होगा।
हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी हमारा नाम गीता पवार है, बांगरदा पुनर्वास है, तहसील पुनासा है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 2017 में लिए थे। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? भक्ति तो करते थे लेकिन उपास उपास सब व्रत वगैरह करते थे। हरताली तीज का उपास है, ये सावन सोमवार है, दुर्गा जी के है, सभी करते थे, और शुक्रवार उपास है वैभव लक्ष्मी के, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं होता था। भगत जी हम 10 वर्ष के थे तो हमको है ना माता जी निकली थी, तो माता जी में हम 3 महीने खटिया पे पड़े रहे, यानी दिखता नहीं था कि ये खटिया पे है भी कि नहीं है। उसके बाद में हमारी यानी कि पढ़ाई वढ़ाई अच्छी हुई, फिर हम शादी हो गई। शादी होने के बाद सर जी हमारे इतने ड्रिंक करते थे पति, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर में ध्यान नहीं देते थे सर जी, और है ना डेली लड़ाई करते थे, डेली मारपीट करते थे, सामान तोड़ना ये तो। जितने भी रहते थे पहले बच्चे हमारे 9 बच्चे हो गए भगत जी, उसमें से यानी 5 बच्चे परमात्मा को प्यारे हो गए यहाँ पर, यानी कि फिर आखिरी के बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन पति इतने तोड़फोड़ करते थे, इतने तोड़फोड़ करते थे, यहाँ भी बच्चे को मारना पीटना, हमको घर में खाना बना हुआ फेंक देते थे भगत जी, वो खाने नहीं देते थे ना खुद खाते थे, और शराब पी के जहाँ वहाँ पड़े रहते थे हम पकड़ के लाते थे भगत जी। यहाँ डैम पे भगत जी है तो वो पुस्तक सेवा पे गए हुए थे, उस दिन तो भगत जी कमाई नहीं चल रही थी, लेकिन हम क्या करने लग गए थे, बुरी रास्ता पे चले गए थे, यानी कि हम शराब बेचने लग गए थे, तो उस दिन हमारे घर में शराब बनी हुई थी सर जी, लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य थे, सेवा करने गए थे, तो बोले ज्ञान गंगा ले लो, तो हमने बोला क्या करेंगे ज्ञान गंगे का, तो हमारे पति बोले कि ले लो, तो मैंने कहा चलो लेके रखते है। फिर भी हमने 3-4 दिन तो उसको नहीं देखी सर जी, फिर संत रामपाल जी के शिष्य ने बोला था कि सत्संग सुनना, तो सत्संग सुना, बोले आपकी बच्ची की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो हमने सोचा चलो सत्संग सुने, फिर हमने 1 महीने तक सत्संग सुना सर जी। उसके बाद में हम बैतूल आश्रम गए, संत रामपाल जी से हमने गुरु दीक्षा ली और गुरु जी की हम पे कृपा हुई सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी हमको लाभ गिनाए तो बहुत से है गुरु जी के, इतने लाभ हुए कि बता नहीं सकते सर जी। अगर हम है ना गुरु जी की शरण में नहीं आते तो हमको पता नहीं क्या हो जाता आज, या तो हम नहीं होते या तो पति नहीं होते हमारे। पति को भी जीवन दान मिला है सर जी, पति को है ना शराब पीते थे तो डॉक्टरों ने ना वो टीबी की बीमारी बता दिए थे, बहुत खांसी चलती थी, 12 महीना हो गया था खांसी चलते, डॉक्टर इलाज भी कराए लेकिन डॉक्टरों से उनको आराम नहीं लगा, फिर भी ज्यादा खांसी तेज चलते रही। फिर हम हरियाणा गए, वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से वहाँ से हमने अरदास लगाई, और जब से सर जी पति की बीमारी भी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है उनको बीमारी, और हमारी गुड़िया भी थी बड़ी वाली पूजा नाम की, तो उनको हार्ट में डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया था सर जी, तो हमने उसका ऑपरेशन कराने की भी सोची, लेकिन हमने सोचा ऑपरेशन के बाद ये क्या पता ठीक हो या नहीं हो, या यानी कि चले जाए, तो जितना जीवन है तो उसको अभी यानी ऐसे ही जी लेने देते। उतने में संत रामपाल जी की शरण में आए, तो मैंने कहा इनका प्रसाद लो और आराम से भक्ति करो, जैसे भी जीवन दान देना है वैसे संत रामपाल जी जीवन देंगे या लेंगे, उनके हाथ में है सर जी। फिर हमने छोड़ दिया भगत जी, डॉक्टरों के पास जाना, दवा गोली भी देना छोड़ दिया, बोल दिया था उनको कि 4 महीने भी जी सकती है या 6 महीने भी जी सकती है या तो जी भी नहीं सकती है, ऐसी रहेगी, लेकिन संत रामपाल जी की शरण में आने से उसको जीवन दान मिल गया सर जी, और हर 8 दिन में डॉक्टर पास ले जाना पड़ता है, लेकिन अब हम उसको कहीं नहीं ले जाते, बीमारी होती भी है तो हम उसको बोलते हैं सुमरन करो, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से हमारी जो गुड़िया थी उनके दिल में छेद था, और डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन है, लेकिन बिगड़ ऑपरेशन की और बिगड़ दवा गोली की संत रामपाल जी की कृपा से उन
पे, यानी कि आराम है उनको। और सर जी हम है ना लकड़ी लेने गए थे ये बारिश में, तो हमारी आंख में है ना वो लकड़ी के ऊपर हम जोर से गिर गए, तो पूरा इतनी मोटी लकड़ी थी सर जी वो हमारी आंख में पूरी यहाँ पर ऐसे गिर गए आंख के बल पे। तो उसमें है ना हमने सोचा अब तो हमारी आंख अंधी हो गई, हमको शायद हॉस्पिटल में पड़ना पड़ेगा एक महीने तक। तो वहां से एक आंख ऐसे बंद करके और सिर पे और गट्ठा लेके आए सर जी हम घर पे, तो कोई यकीन नहीं करे कि ये गिरी होगी, कि इसकी आंख में लगा होगा। थोड़ी सी भी चोट नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन थोड़ा दर्द हो रहा था, यानी शाम तक दर्द रहा, फिर दूसरे दिन आराम मिल गया सर जी हमको संत रामपाल जी की दया से। हम जब गुरु जी की तारीख पे गए थे सर जी, तो वहां पर हम वापस आ रहे थे रिटर्न में, तो वो लड़का हमारा भगत जी है करके वो पीछे दूसरे भगत जी के वो उनके पीछे चले गया। तो हम वहां पर जब रेल में बैठने गए 20-25 भगत जी थे, तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा कहाँ है, तो हमने कहा भगत जी यहीं कहीं होगा, तो भगत जी बोले नहीं दिख रहा है। सभी ने टिकट भी कटा ली और जो ट्रेन थी वो भी आ गई थी। उसके बाद में जब बच्चा मिला उसके बाद ट्रेन चालू हुई, संत रामपाल जी की दया ऐसी थी। और एक वहीं पर एक दादा संत रामपाल जी के यानी चोले में आए होंगे, बोले क्या हो गया बेटा क्यों रो रहे हो आप? तो मैंने कहा भगत जी हमारा है ना बच्चा खो गया यहाँ पर, पता नहीं हमारे परिवार बोलेंगे कि कहाँ दर्शन करने गए थे तुम बच्चा खो के आ गए हो। तो उनने बोला कि माई मिल जाएगा आपका बच्चा यहीं कहीं होगा देखो। तो उधर से चार भगत उसको पकड़ के ला रहे थे डायरेक्ट, तो उनने बोला उनको पता भी नहीं था कि इनका बच्चा है और ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बोले कि आपका बच्चा लो। तो मैं और उसको चिल्ला रही हूँ कि क्यों साथ में चलना चाहिए ना, क्यों अलग हो जाता है। तो वो चारों बोलने लगे कि मत चिल्लाओ दीदी हो जाता है ऐसा बोले। तो परमात्मा ने संत रामपाल जी को ऐसा परिणाम दिखाना था कि आपका बच्चा खोने वाला था, लेकिन गुरु जी की शरण में संत रामपाल जी की शरण में थे, इसीलिए हमारा बच्चा यानी कि कुछ नहीं हुआ उसको, वापस से हमको मिल गया सर जी। हमारे पति से हम बहुत परेशान थे भगत जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे ना, हमको खाने देते थे ना खुद खाते थे, रोज लड़ाई करते थे, खाना बना हुआ भी फेंक देते थे भगत जी। अगर दाल चावल गरम है तो बोले गरम क्यों है ये, ठंडे क्यों नहीं है, तुरंत उतारो। तो भी ये बहुत परेशान करते थे, बहुत ज्यादा नशा करते थे कि सुबह से उठे तो शाम तक नशा में ही रहते। तो है ना संत रामपाल जी की शरण में आने से हमारे पति का नशा भी छूट गया, तम्बाकू गुटखा और ये जैसे कि सट्टा ये खेलना सट्टा लगाना ये सब सभी चीज में थे सर जी। लेकिन गुरु जी की शरण मिलने से संत रामपाल जी की शरण में आने से सभी बुरे काम धंधे सभी छोड़ दिए सर जी हमारे पति ने, और अब अच्छी रास्ता पे चलते हैं और सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं सर जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारी जो भी कष्ट था, जो भी हमारे शरीर में दर्द था परेशानी थी, सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सभी कष्ट दूर हो गए सर जी हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम तो कुछ उनको संदेश दे नहीं सकते, लेकिन इतना समझा सकते हैं कि धरती पर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, यानी परमात्मा खुद उतर के आए हैं धरती पे, तो उनकी शरण में चलो और उनसे अपना मोक्ष करवाओ और अपने सही भक्ति करो और सही रास्ता पे चलो। और यानी जो भी बुरे चीज है, बुरी बीमारी है, जैसे भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, परमात्मा अपने संत रामपाल जी जीवन दान भी देते हैं और अपन को मोक्ष का मार्ग भी मिलेगा। और सभी से निवेदन संत रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आ सकते हैं कि टीवी चैनल पे पट्टी आती है, उस पे सभी नंबर दिए जाते हैं, सभी यानी क्षेत्रों में जिलों में जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी केंद्र है, जहाँ भी खुला है, वहाँ सब पुस्तकों में भी दिया होता है, सभी अपन पढ़ो और उसमें नंबर नोट करो और नंबर लगाओ और वहाँ से संत रामपाल जी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं सर जी। धन्यवाद जी, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543,
202-880-5444। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।